हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सुधीर ट्यूटोरियल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, जो कि आपके यूपीएससी पैट के लिए हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आपके वनडे एग्ज़ाम्स यानी एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीपी और अदर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं भारत की भौतिक पृष्ठभूमि, जो कि है नॉर्थ से साउथ की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। वैसे ही ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य, जो कि इस प्रकार हैं। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है, जो कि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल हैं। सुदूर पूर्व में म्यांमार है, जो कि यहाँ पे है। पूर्व में बांग्लादेश है, जो कि ये रहा। और साथ ही श्रीलंका जो है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व में है, यानी जो श्रीलंका है या साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी साउथ वेस्ट में है। वैसे ही मालदीव जो है वह दक्षिण पश्चिम में है। मालदीव जो कुछ यहाँ होगा, वैसे ही श्रीलंका और मालदीव ये जल सीमा वाले दो देश हैं। बढ़ते हैं आगे, जो कि है पड़ोसी देश। और यह पड़ोसी देश हमारे भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं, ये देखते हैं। अफगानिस्तान जो है वह जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। वैसे ही बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तीसरा जो है भूटान, भूटान अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ, सिक्किम के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। वैसे ही चीन जो है वह जम्मू कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है म्यांमार। म्यांमार जो है वह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। वैसे ही नेपाल जो है वह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं जलीय सीमा की तरफ, जो कि पहला है श्रीलंका। श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग किया गया, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, जो यह एक दूसरे को अलग करती है। वैसे ही मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम भाग है। आगे बढ़ते हैं, यह है भारत का मैप और इससे सटे हुए भारत के पड़ोसी देश, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। पहला देश है जो कि पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां जो है जो जलीय सीमा वाला देश है वो है श्रीलंका, और नौवां जो है वो है मालदीव, जो कि लक्षद्वीप के नीचे है। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करते हैं। पहले देखते हैं, जो पाकिस्तान है वह गुजरात के साथ सीमा साझा करता है।
राजस्थान के साथ, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, वैसे ही जो हमारा अफ़गानिस्तान है वह छोटी सी सीमा जो कि लद्दाख के साथ शेयर करता है, वैसे ही चाइना जो है वह लद्दाख के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वैसे ही नेपाल जो है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, वैसे ही भूटान जो है वह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद जो बांग्लादेश है वो हमारे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। आखिर में जो म्यांमार है वह हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इनके साथ सीमा साझा करता है। आइए बढ़ते हैं आगे, जो कि पड़ोसी देश के बारे में, कुछ जनरल नॉलेज जो कि है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। वैसे ही भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वह 106 किलोमीटर की है। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है दारी और पश्तो है, वैसे ही यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वह अफ़गानी इसका नाम है। वैसे ही बांग्लादेश, की राजधानी ढाका है। यहाँ की सीमा रेखा मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। यहाँ की राजभाषा बंगाली है। यहाँ की मुद्रा जो है बंगाली देसी टका है, यानी इसे टका भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे देश की तरफ जो कि है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत और भूटान के बीच में जो सीमा रेखा है वह 699 किलोमीटर की है। यहाँ की राजभाषा जोंखा है। वैसे ही मुद्रा जो है यहाँ की नगुल ट्रम है। बढ़ते हैं अगले देश की तरफ जो कि है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। वैसे ही भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वह 3488 किलोमीटर है। राजभाषा जो है वो मंदारिन है। मुद्रा जो है चीनी युआन है। बढ़ते हैं पांचवें देश की तरफ जो कि है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नाइपिएड है। यहाँ की सीमा रेखा भारत के साथ 1643 किलोमीटर की है। वैसे ही यहाँ की राजभाषा बर्मी है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है यानी म्यांमार में जो मुद्रा चलती है वह बर्मीज क्याथ है। बढ़ते हैं छठवें देश की तरफ जो कि है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भारत और नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर की रेखा है। यहाँ की राजभाषा नेपाली है। मुद्रा जो है वह नेपाली रुपया है और ये है नेपाल का झंडा। बढ़ते हैं सातवें देश की तरफ जो कि है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की सीमा रेखा भारत के साथ 3323 किलोमीटर की है। यहाँ की राजभाषा उर्दू है। मुद्रा जो चलती है वह पाकिस्तानी रुपया है। बढ़ते हैं आठवें देश की तरफ जो कि है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो और जयवर्धनपुरम कोट्टे है। वैसे ही यह भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यहाँ की राजभाषा सिंहल या तमिल है। मुद्रा जो है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है। बढ़ते हैं नौवें देश की तरफ जो कि है मालदीव। मालदीव का राजधानी जो है वह माले है। यहाँ की सीमा रेखा भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करती है। वैसे ही यहाँ की राजभाषा धीवेही है। यहाँ की मुद्रा जो है यानी मालदीवी मुद्रा जो है
और मालदीवियन रुपया है, ये है मालदीव का झंडा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो कुछ इस प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 समुद्री सीमा रेखाएं हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, भारत के कितने राज्य की सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है? भारत के कितने राज्य जो है वह 16 होंगे। आइए देख लेते हैं, सोलह राज्य जो कि है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख, छठवां हिमाचल प्रदेश, सातवां उत्तराखंड, आठवां उत्तर प्रदेश, नौवां बिहार, साथ ही साथ सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल जो कि काठमांडू और भूटान के साथ लगा हुआ है, ऐसे ही असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनकी संख्या टोटल 16 है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश के साथ लगती है? केंद्र शासित प्रदेश जो कि 2 हैं, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, भारत और बंगाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? जैसा कि हमने पीछे देखा था, 4096.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की सीमा लंबाई है। वैसे ही बांग्लादेश का राष्ट्रध्वज किसने डिजाइन किया था? बांग्लादेश का जो राष्ट्रध्वज है उसके जो डिजाइनर है वह हैं कमरुल हसन, जो कि ये रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? बांग्लादेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन जो कि है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? भारत देश के साथ बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वह सबसे लंबी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश में की जो मुद्रा है वह टका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र 11 जनवरी 1972 को बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, भारत और बांग्लादेश को कौन सा राजमार्ग एक दूसरे को जोड़ता है, यानी भारत और बांग्लादेश में के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे है जो वह एक दूसरे देश को जोड़ता है? उस राजमार्ग का नाम है NH 112। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, बांग्लादेश की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? बांग्लादेश की सीमा
एक तो भारत के साथ लगती है, दूसरा म्यांमार के साथ लगती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जिस प्रकार भारत में हम इसे गंगा नदी कहते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में कौन सी ट्रेन चालू की गई है? हाल ही में जो है वह मिताली एक्सप्रेस चालू की गई है, जो कि 1 जून 2022 को चालू की गई है। उससे पहले मैत्री एक्सप्रेस चलती थी, जो कि 2008 में लॉन्च की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत और चीन से रिलेटेड। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वह 3488 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, चीन की सीमा भारत के कितने राज्य के साथ लगती है? चीन की सीमा भारत के राज्यों के साथ जो लगती है उनकी संख्या है 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? केंद्र शासित प्रदेश 1, जो कि लद्दाख है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। चीन की राजधानी का क्या नाम है? चीन की राजधानी शंघाई है, बीजिंग है, कोलंबो है या ढाका है? चीन की राजधानी बीजिंग है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युआन है, डॉलर है, लीरा है या पैसो है? चीन की मुद्रा युआन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक वांग हो नदी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, चीन किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चीन जो सबसे लंबी रेखा सीमा साझा करता है वह मंगोलिया के साथ करता है। चीन जो है वह सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वह मंगोलिया के साथ तय करता है, जिसकी लंबाई है 4630 किलोमीटर। और भारत के साथ जो है वह 3488 किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, चीन की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने करवाया था? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किन सी हुआंग ने कराया था, जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत जो है पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, 4323, 5323 या 6323?
भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य के साथ लगती है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्य के साथ लगती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान और तीसरा जो है वह पंजाब है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पाकिस्तान के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करने वाले राज्यों के जो नाम हैं वह है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन दो वह सही होगा। पाकिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन है, जो कि ऑप्शन नंबर एक हमारा सही होगा। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है। राष्ट्र पंचायत, नेशनल असेंबली, मजलिस या नेशनल पीपल्स असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, यानी ऑप्शन नंबर दो हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पाकिस्तान की राजधानी क्या है। पाकिस्तान की राजधानी काबुल है, इस्लामाबाद है, लाहौर है या सिंध है। पाकिस्तान की राजधानी जो कि इस्लामाबाद है, यानी ऑप्शन नंबर दो हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है। युआन, पाकिस्तानी रुपया, रियाल या फिर दिनार। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अफगानिस्तान और भारत के बीच में। अफगानिस्तान की भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा है। 106 किलोमीटर, 206, 306 या 406। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वह 106 किलोमीटर की है, और यह रेखा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के 0 राज्य से लगती है, क्योंकि यह एक ही केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। इस्लामाबाद, काबुल, सिंध या रियाद। अफगानिस्तान की राजधानी जो कि है काबुल, यानी ऑप्शन नंबर दो हमारा सही होगा। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। संसद, नाइट, शोरा या मजलिस। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, यानी ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अफगानिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा का क्या नाम है। डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन, मनमोहन लाइन या इनमें से कोई नहीं। रेडक्लिफ लाइन जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मनमोहन लाइन जो कि कोई लाइन ही नहीं है, इसलिए
ऑप्शन नंबर एक हमारा डूरंड लाइन, जो कि सही होगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। ऑप्शन नंबर एक सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत और म्यांमार से रिलेटेड। आइए देखते हैं भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। 1243, 1643, 1743 या 1843। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर दो हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। म्यांमार की सीमा भारत के चार राज्यों के साथ लगती है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और चौथा जो है वह है नागालैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है म्यांमार की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है। म्यांमार की सीमा जो कि चीन के साथ सबसे लंबी है, यानी ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है। यांगोन, मांडले, नेपिडा या कोचीन। जैसा हमने पीछे देखा था, म्यांमार की राजधानी नेपिडा है, यानी ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। इस्लाम है, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर बौद्ध धर्म। म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, यानी ऑप्शन नंबर चार हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी है। यहाँ पे भारत के राज्य की सीमा पूछी है, जो कि म्यांमार के साथ सबसे लंबी है। राज्य सीमा मिजोरम की है, जो कि ऑप्शन नंबर चार हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है। क्यात, रुपया, म्यांमारी रुपया या फिर दिरहम। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है म्यांमार का पुराना नाम क्या है। वियतनाम, कंबोडिया, बर्मा या फिर म्यांमार। म्यांमार का जो पुराना नाम है वह है ऑप्शन नंबर तीन, यानी बर्मा हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है म्यांमार की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है। यहाँ पे देश के बारे में पूछा है, जो कि म्यांमार से सबसे लंबी रेखा, यानी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वह है भारत, बांग्लादेश, लाओस या चीन। म्यांमार जो है वह चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, यानी ऑप्शन नंबर चार हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा की लंबाई है वह कितनी है। 1451, 1551, 1651 या 1751। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई जो है वह है 1751 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं।
भारत और नेपाल, भारत के जो राज्य हैं वह नेपाल से, नेपाल की सीमा से लगते हैं, उनकी संख्या है 5, जो कि है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है। रेड काइफ लाइन, डूरन लाइन, सुनौली लाइन या फिर मैकमोहन लाइन। भारत और नेपाल की सीमा का नाम है सुनौली लाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है नेपाल की राजधानी क्या है। काठमांडू है, ललितपुर है, ढाका है या फिर काबुल है। नेपाल की राजधानी जो कि काठमांडू है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेपाल की मुद्रा क्या है। युआन है, रुपया है, पैसा है या फिर नेपाली रुपया है। नेपाल की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर सिक्किम। भारत के भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है, वह है उत्तर प्रदेश, जो कि लंबाई है 551 किलोमीटर, या उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी रेखा सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेपाल की संसद का क्या नाम है। नेशनल पीपल असेंबली, राष्ट्रीय पंचायत, जातीय पंचायत, जातीय संसद या चौथा ऑप्शन नेशनल असेंबली। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, यानी भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी बहती है जो कि सीमा बनाती है। तीस्ता नदी, काली नदी, सिंध नदी या सतलज नदी। भारत और नेपाल के बीच में काली नदी बहती है, जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा का निर्माण करती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत और भूटान से रिलेटेड। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत और भूटान की सीमा कितनी लंबी है। चार सौ निन्यानवे किलोमीटर, 599, 699 या 799 किलोमीटर। भारत और भूटान की सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भूटान
भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 1, 2, 3 या 4? भूटान जो है वो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। यानी भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जिनकी संख्या 4 है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल या चौथा असम। भूटान की सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के असम राज्य के साथ लगती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भूटान के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? गंखर, पुनसुम, दूसरा ऑप्शन कुला कांगरी, तीसरा जोमोल हारी या चौथा गिपमोची। भूटान की सबसे ऊंचे पर्वत का नाम जो है वह है गंगखर पुनसुम, जिसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है, या आप 7.570 किलोमीटर भी कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भूटान की राजधानी का क्या नाम है? थिम्पू, पारो, जाकर या गेलिफू। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? युआन, नेगुलत्रम, भूटानी रुपया या फिर दिनार। भूटान की मुद्रा का नाम है नेगुलत्रम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत और श्रीलंका से रिलेटेड। क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका की सीमा का क्या नाम है? श्रीलंका जो कि भारत के साथ जलीय सीमा रेखा साझा करता है, जिसका नाम है, यानी रेखा का जो सीमा है, सीमा रेखा का नाम पाक जल संधि है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? राष्ट्र पंचायत, नेशनल असेंबली, श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ या चौथा नेशनल पीपल्स असेंबली। श्रीलंका की संसद का नाम है श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रिटिगल, पीटी रुतल गला या तीसरा नामनुकुला या चौथा मिहिंताले। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा?
श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पीडी रुतलगला, जिसकी ऊंचाई है 2,524 मीटर या फिर 2.524 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है श्रीलंका की राजधानी क्या है। कोलंबो, श्रीजयवर्धनपुरम कोट्टे, तीसरा बीजिंग, चौथा उपयुक्त एक और दो, यानी ऑप्शन एक और दो। श्रीलंका की राजधानी जो कि है कोलंबो, श्रीजयवर्धनपुरम कोट्टे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर चार सही होगा, उपयुक्त एक और दो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। केलानी, कालू, महा या महावेली। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महावेली, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है श्रीलंका के पहले साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। जाफना, पालोनुरुवा, तीसरा अनुराधापुरा या चौथा कैंडी। श्रीलंका के पहले साम्राज्य की राजधानी अनुराधापुरा थी, यानी ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि भारत और मालदीव से रिलेटेड है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, रासघो, बीजिंग या मालदीवे। मालदीव की राजधानी माले है, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, मालदीव और भारत के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या 12 डिग्री। मालदीव और भारत के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मालदीव की मुद्रा कौन सी है। टका, क्यात, युआन, आर या फिर मालदीवियन रुपया। जैसा कि हमने पीछे देखा था, मालदीव की मुद्रा का नाम है मालदीवियन रुपया। बढ़ते हैं भारत के प्रमुख चैनल और जल संधि, जो कि पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं, जो कि 6 डिग्री चैनल है, यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है। दूसरा 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव और मिनिकॉय भारत के साथ के बीच में स्थित है। वैसे ही 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। चौथा, जो कि 10 डिग्री चैनल है, अंडमान यानी लघु अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। अगला चैनल ग्रेट चैनल, जो कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। अगला जो कि है पाक जल संधि, या भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाता है। अगला चैनल है कोको चैनल, जो कि अंडमान और कोको द्वीप यानी म्यांमार के बीच में सीमा साझा करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक होगा देश राजधानी एवं मुद्रा से रिलेटेड, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस का चैप्टर 2 होगा।